समय हूँ और मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल हर जगह हूँ। टाइम अर्थात समय, क्या है समय? अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने ठीक से इसका उत्तर नहीं दिया। आइंस्टाइन का कहना है, समय एक भ्रम है। चंद्रमा की पृथ्वी से घूमने का साइकिल एक महीने के बराबर और ऋतुओं के बदलने का साइकिल एक साल के बराबर। प्राचीन समय में दिन में समय का अनुमान सन डायल से लगाते, रात में स्टार कॉन्स्टेलेशन से। जमाना बदला और सन डायल की जगह टिक टिक करती घड़ियों ने ले ली और इसी टिक टिक करती घड़ियों के आधार पर हम समय की अनुभूति करते हैं। आज हमारे लिए समय की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि 60 सेकंड का एक मिनट होता है, 60 मिनट का एक घंटा और 24 घंटे का एक दिन और 30 दिन में एक महीने और 12 महीने का एक साल और 12 साल यानी एक युग। अच्छा ये बताओ तुम कब ज्वाइन कर रहे हो? कुछ साल बाद बाबा। हाँ? ये वापस डाल रहा है। वो मैं अपना जैकेट भूल गया हूँ। भुलक्कड़ है, कभी कुछ भूलता ही रहता है। जल्दी आना। पूरा माल लाया? गिन लिया ना? टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे। अरे ये क्या? तेरे को क्या लगा हम छोड़ देंगे तेरे को? बोला था तेरे को, समझ में नहीं आता मदर तेरे को? ठोकू ठोकू? ओए 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 चल हट, पकड़ मदर को। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें से एक घटना है जिसमें आरी अपने माँ पिता को खो देता है। अगर खुलेआम ऐसा होता रहे तो इससे आप बचेंगे कैसे? क्या करेंगे? क्या आप टाइम में वापस जाके उन्हें बचाएंगे? टाइम ट्रेवल तो बस एक कहानी है फ्यूचर में जाने की, और फ्यूचर को जानने की उत्सुकता तो हम सबको होती है ना? लेकिन क्या पता इट्स नॉट रियली हैपनिंग। मे बी ऑल द साइंटिस्ट्स आर बिजी मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर इट्स जस्ट अ थ्योरी।
हट, ये क्या टेक्स्ट है? कुछ भी एसएमएस भेजते हैं। 2025 से एसएमएस कर रहा है, फ्लर्ट करने का नया स्टाइल, धूर भाल लगे ना। ऐसा हो सकता है क्या? राम, हाँ बोल। सुनना, क्या हुआ? आई थिंक मैसेज डिलीवर हो गया, तू जल्दी आ प्लीज। क्या आया? मैं अभी आया, रुक। टच मत कर। क्या है इसमें? कहाँ पे लिखा है कि डिलीवर हो गया? कहाँ मैसेज भेज रहा है, कैसे पता लगा? ये सिंबल मैंने सिर्फ डिलीवरी रिपोर्ट के लिए ही डिजाइन किया था। वो बीप कर रहा है। आई डोंट नो कि पास्ट में गया, प्रेजेंट में गया या फ्यूचर में। Is this guy mom dad का death? कुछ समझ नहीं आ रहा है, बार बार टेक्स्ट भी आया जा रहा है। जाके ही देखती हूँ, चोट हो जाए ना तो। कोई फ्रेंड बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? जा ही देखी ये की है। न्यूज में तो दो साइंटिस्ट के मौत के बारे में बता रहा है। चल जाके ही देखती हूँ। भैया सांता क्रूज पता है ना? हाँ, ओटीपी मैडम। ओटीपी 3355। बंदना सीएचएस अपार्टमेंट आगे ही जीपीएस में दिखा रहा है। हाँ, वो आगे जाके राइट में। हाँ, ओके, थैंक यू। और कहाँ रहता है ये? अरे ये लाल नीला लड़का तो मेरा पीछा कर रहा है।
यहाँ कोई आ रही रहता है क्या? हाँ मैं हूँ। I have got a message for you. Please come inside. जा यहां से। राम, हम लोग जो सोच रहे थे वो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इट इज पॉसिबल। अरे जा यहां से। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ। तू जा यहां से, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। और हम पास्ट या फ्यूचर में आ जा सकते हैं और अपने गुजरे हुए वक्त में वापस जाके इसको अनुभव कर सकते हैं। हमने अपने भविष्य में आने वाले फ्रेम्स और गुजरे हुए फ्रेम्स में आने जाने के लिए वर्म होल का सहारा लेना। यार तू कैसे कैसे लोगों से मिलवा रहा है मुझे, पैसे देगा? अरे गोली मार देगा वो हमें। छोटे छोटे शॉट, जल्दी चल चल। और कर भी क्या सकते हैं? हाँ हाँ, साइंस का काम बस यही रह गया है, वेपन बनाओ। अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, चल। हाँ अरे, या मैन, आई रीच्ड कैफे 180 डिग्री। ठीक है, आजा, मैं अंदर बैठा हूँ। हाँ ठीक है। उसी ने बोला था पैसे 15 लाख, 2 से 3 साल लग जाएगा। बस मैं 2 साल बोलूंगा, तू 1.5 साल बोल देना। हाँ ठीक है भाई। सेट। विज्ञान और विज्ञान को समझने वाले लोग अपने आविष्कार से दुनिया बदल देते हैं। जैसे आपके दिमाग की बत्ती जली और आपको एक आइडिया आया। वो आइडिया कहाँ से आता है? क्वांटम फिजिक्स कहता है हमारा फ्यूचर भी पास्ट को प्रभावित करता है और पास्ट फ्यूचर को। आपका फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट इंटैंगल्ड है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्वांटम रियल्म के अंदर। 15 लाख तो ठीक है, 2 साल नहीं होगा। नहीं, 2 साल नहीं होगा। 1.5 साल। यू बेटर मेक इट हैपन। हाँ को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता, बस उसके अंदर के जो सर्किट्स होते हैं, क्योंकि जितने भी मिसाइल होते हैं आज के तारीख में सब जीपीएस आधारित ही होते हैं, सेल्फ गाइडेड जिसको बोला जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, तो उनके सर्किट तो खराब हो जाएंगे, जैसे कि वो दिशाहीन हो जाएंगे, उनको कोई दिशा नहीं मिलेगी और वो हवा में उड़ते ही चले जाएंगे और वो अपने टारगेट पर हिट नहीं कर पाएगी। एक टाइम के बाद वो जमीन पर डिफ्यूज होकर गिर जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से काम करती है ये टेक्नोलॉजी। न्यूज इंडिया से मैं शकुंतला आपको भारत के हथियारों वाले सुपरमार्केट में ले चलूंगी। इसके लिए आपको हमारे संग चेन्नई चलना होगा, क्योंकि वहाँ डिफेंस एक्सपो 2018 की शुरुआत हुई है। आप इसे हथियारों का सबसे बड़ा बाजार या प्रदर्शनी भी कह सकते हैं। और इस बार इस प्रदर्शनी का थीम है इंडिया, द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत में डिफेंस एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट 1998 में आया था। उसका मकसद था भारत में बनाए गए रक्षा उपकरणों के निर्यात की संभावनाओं को तलाशना और उनका प्रचार करना। तब से अब तक भारत में ऐसी 9 प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी हैं,
वैसे दुनिया के अन्य देशों में डिफेंस एग्जीबिशन का चलन दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मैं माँ बाबा के बिना क्या करूँगा यार। लेकिन इसे भारत आते आते काफी समय लग गया। दुनिया भर में हर साल कम से कम 37 डिफेंस एग्जीबिशन लगती है अलग अलग देशों में, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया में डिफेंस यानी रक्षा का कारोबार सबसे बड़ा है। राम, राम। हाँ यार। Can we send a text message to our past and future self? तेरे को आइंस्टाइन का थ्योरी मालूम है ना? हाँ यार, यूट्यूब पे गाने सुनते हुए समझ गया था। 3 दिसंबर 1992 को पहला मैसेज भेजा गया था वोडाफोन GSM नेटवर्क से, मेरी क्रिसमस। अब तो लोगों ने सामने से बात करना बंद कर दिया यार, चैट पे चटी आते रहते ब्लूटिक्स खेलते रहते ROFL, LOL। अरे मैं एक बात बोलूं तेरे को? हाँ बोलना। ये सब ना बकवास करना बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है राम। वैसे वो ट्रांसमीटर, उस लड़की का कोई SMS आया है? नहीं, वो ट्रांसमीटर दे। और तू शुभ शुभ बोला, हम कामयाब होंगे। आई थिंक दिस विल मेक अस प्राउड इन फ्यूचर, आई मीन दिस। और ये अपने निशाने से 1 मीटर की दूरी पर ही गिरती। भारत के आजमाए हुए हथियार में दुनिया के दूसरे देशों की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है, इसे भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया। अब ये तीनों प्लेटफॉर्म्स यानी जमीन से, समुन्दर से और आसमान से काम कर सकती है। एक आम आदमी अगर जानना चाहे ये कितना ज्यादा दुश्मनों को किस तरह से जवाब दे सकती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर कोई टेररिस्ट कैंप है जो वहां से टेरर अटैक लॉन्च कर रहा है इंडिया के ऊपर या दिल्ली के ऊपर, उसको मारने में ये जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस कितनी कारगर हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल एक आक्रामक शस्त्र है, और ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किसी युद्ध में पहले 2 घंटों के अंदर कर लिया जाएगा, जिससे दुश्मन की कैपेबिलिटीज खत्म हो सके। तो ये मतलब ऐसा प्लान किया जाता है। ऐसे जब हम स्कीम करते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं, तो इस तरीके की वॉर गेमिंग की जाती है कि सबसे पहले दुश्मन की जो मेन कैपेबिलिटीज है उसको खत्म कर दिया जाए, जैसे कि पिछले कई युद्धों में हुआ दुनिया के अन्य देशों में। और उस तरह से ही ब्रह्मोस को भी उपयोग में लाया जाएगा। आपको सबसे पहले कहा कि ब्रह्मोस एक आक्रामक शस्त्र है, और आक्रामक शस्त्र को युद्ध में सबसे पहले यूज किया जाता है। आर हिज पेरेंट्स वेयर इन्वॉल्वड विद द टाइम होलोग्राफिक मोबाइल टेक्नोलॉजी दैट आरी इज नाउ वर्किंग ऑन, समथिंग दैट दे वेयर मर्डर्ड फॉर ब्रिंगिंग होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप सो सून। कैसे लोग हो यार, एक्सपेरिमेंट के लिए आरी अलग अलग टाइप के वेपन्स कलेक्ट करने लगा, और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उस पीटर से मिला जो उसकी माँ और पिता के मर्डर में शामिल था। पर आरी जानता था असली गुनहगार पीटर नहीं। टेक इट ब्रो, रशिया का माल है, अक्खा मुंबई खोजेगा नहीं मिलेगा, घूम फिर के आना पड़ेगा तेरे को पीटर के पास। और पीटर के पास होता है सॉलिड माल, बोले तो एक गोली आदमी खल्लास। अभी 4 राउंड दिया है
और डिमांड होएगा तो बोलना अपन को, ला के देगा। ओके चल, एंड हैप्पी दिवाली। चल। कैसे हुआ? बारूद की खोज के लिए चीन के एक व्यक्ति वे बोयांग का नाम लिया जाता है। कहते हैं सबसे पहले उन्हें ही बारूद बनाने का आइडिया आया था। माना जाता है वे बोयांग ने अपने खोज के चलते तीन तत्वों को मिलाया। उसी खोज के चलते उन्हें एक जल्दी से जलने वाली एक चीज मिली। बाद में इसको ही बारूद का नाम दिया गया। इसके बाद गी होंग ने इस खोज को आगे बढ़ाने का फैसला किया और कोयला, सल्फर और नमक के मिश्रण का प्रयोग बारूद बनाने के लिए किया। इन तीनों तत्वों को जब उसने पोटेशियम नाइट्रेट में मिलाया तो उससे गन पाउडर का आविष्कार हुआ। अपनी खोज की विधि को उसने अपने किताब में भी लिखा। जी हाँ, उस किताब को कई वैज्ञानिकों ने भी पढ़ा। उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को सफलता हासिल हुई। उस व्यक्ति ने गी होंग के विधि अनुसार काम किया। जब दुनिया को इसका पता चला और इसे अपने व्यापार का एक हिस्सा बना लिया। अंग्रेज और फ्रांस के सेना को चीन ने बारूद बेचना शुरू कर दिया। बारूद को खरीदने वालों के लिए ये एक नई चीज है जो उनको जंग में मदद कर सकती थी। समय के साथ बारूद के इस्तेमाल के लिए हथियार बनने लगे। तोप में बारूद या गन पाउडर का बेहिसाब इस्तेमाल होने लगा। ओए, राम को देखा है क्या? सुनो, मैं लेट हो जाऊंगा, खाना मत बनाना मेरे लिए। और राम आए तो बोलना मैं लेट आऊंगा। चल बाय। और लोहा, कैसा आ रही? सब ठीक ठाक। सलाम साहब। सलाम सलाम। और जॉनी, कैसा है तू? हो साहब, मस्त। क्या खबर लाया तू? ये वाली, ये लड़की एड्रेस पूछ रही थी आरी का, उसके घर गई और काफी देर रुकी भी। इसको जानते हो? हाँ साहब, नेहा नाम है इसका। इसके पास कोई मैसेज आया था, वही लेकर घर पे आई थी। कैसा मैसेज? पता नहीं साहब, इसके बारे में पता नहीं। चल ठीक से नजर रखना। यस सर। टाइम टेक्स्ट के बारे में पुलिस को पता चल गया। आरी को पता था कि उसके घर में जो नौकर है वो पुलिस इन्फॉर्मर है। नेहा कुछ दिनों के लिए मुंबई आई थी आरी को हेल्प करने, एंड अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कोलकाता वापस चली गई। पुलिस को दोबारा नेहा मुंबई में नहीं दिखी, जैसा कि आरी चाहता था। अब उसका प्लान धीरे धीरे काम करने लगा।